नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशुतोष शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज। आज हम बिंद की ऐसी बेटी जिन्होंने विगत 27 जुलाई को 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के रिजल्ट घोषित होने पर बिंद के रीवा जिले के तराई अंचल गांव क्षेत्र चुनरी से कला संकाय विषय से 12वीं पास कर आज पूरे बिंद में पूरे मध्य प्रदेश में अपना प्रथम स्थान हासिल कर नाम रोशन किया है। आज जनसंवाद कार्यक्रम में हम बहन खुशी सिंह से एक परिचर्चा करेंगे कि उनके द्वारा आगे अपने छोटे भाई बहनों को, अपने समाज के छोटे जो इनसे जूनियर इनके क्लासमेट या इनकी स्कूल में पढ़ रहे थे उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगी या ये किन स्थितियों से गुजरकर आज इस मुकाम पर पहुंची, उसके लिए हम बहन खुशी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो खुशी सिंह, आपका हमारे खबरदार न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं अपने चैनल की ओर से आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, अपनी टीम की ओर से, कि आपने आज इस तराई अंचल क्षेत्र के छोटे से गांव से निकलकर पूरे बिंद पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर अपना नाम रोशन किया। आप आज इस मुकाम में पहुंची हैं तो उसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और अपने अपने टीचर को देना चाहती हूँ जिन्हें हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए सहयोग दिया और सहायता की। क्या आपको अंदाजा था कि आप पूरे मध्य प्रदेश में टॉप करने वाली हैं? नहीं, ये तो नहीं था कि टॉप करेंगे, लेकिन ये मतलब हमको वो पक्का था कि हमें विश्वास था कि मैं 90 सिपा लाऊंगी, लेकिन ये पता नहीं था कि टॉप करेंगे। जब आपको पता चला कि आपने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है तब आपके मन में क्या विचार आए? आप सबसे पहले अपने मन ही मन किसे बधाई देना चाहिए? पहले तो मुझे पता नहीं था कि हमें टॉप किया, ये तो हमें मीडिया वाले से पता चली है, इससे हमें बहुत खुशी हुई। सबसे पहले आपने किसको धन्यवाद देना चाहा कि किसके कारण हम आज इस मुकाम में पहुंचे हैं? सबसे पहले अपने क्लास टीचर पुष्पता मैम, जो बाकी सर थे हमारे टीचर थे, उनको धन्यवाद करना चाहती हूं। आप जिस सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी उस सरकारी स्कूल का क्या श्रेय है आपकी इस मुकाम में? क्या उस सरकारी स्कूल में बराबर हर पीरियड्स लगते थे या आप घर में ट्यूशन करती थी या सेल्फ डिपेंड थी? नहीं, ट्यूशन तो नहीं हमने किया, लेकिन हमारे जो स्कूल के क्लास टीचर थे वो अपना जो सब्जेक्ट था अच्छे से पढ़ाते थे। सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते जी। यदि आप अपने टॉप करने का श्रेय घर में की गई खुद की पढ़ाई और लगन फिर स्कूल से प्राप्त की गई शिक्षा को देना चाहती हैं तो उसमें आप सबसे ज्यादा किसे श्रेय देना चाहेंगी, मतलब स्कूल को या फिर अपने घर में सेल्फ डिपेंड होके आपने पढ़ाई किया है? नहीं, हमारे सभी मतलब घर की फैमिली जो है हमारे उन वो भी हमारे पढ़ाई में सहयोग दिए और हमारे जो स्कूल के क्लास टीचर हैं और हमारे जो फ्रेंड हैं वो भी हमको थोड़ा सपोर्ट किए थे। आपके पिताजी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इस वजह से आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना चुना, या फिर यदि आपके पिताजी की आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो आप उस सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती या नहीं करती? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि हर माँ बाप की मतलब इच्छा होती है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ें, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति हमारे माता पिता की वो नहीं थी, इसलिए हमारा हम गवर्नमेंट स्कूल में लिखवाए हैं हमारा, लेकिन हम इससे वो नहीं होते हैं कि हमारे माता पिता इसमें लिखवाए, लेकिन जो मतलब जिसमें पढ़े बस अच्छे से पढ़े। अभी हाल ही में त्योथर विधायक माननीय श्यामलाल द्विवेदी जी आपके घर आए थे, तो उनके द्वारा आपको आगे की पढ़ाई के लिए क्या आश्वासन मिला या क्या सहयोग करने के लिए उन्होंने बोला है? उन्होंने हो गया ज्यादा कुछ नहीं दिया है, लेकिन आश्वासन दिए हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए आपको सपोर्ट करेंगे जी। जिस तरह से आपने टॉप कर रीवा जिले के साथ देश को भी गौरव दिलाया है, जो आपने एक इतिहास कायम किया है, उसमें कई लोग मांग कर रहे हैं कि आपके आगे की पढ़ाई के लिए प्रदेश सरकार को आपकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना चाहिए, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, वो हमारे जिम्मेदारी उठाए हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें वो सहायता करें। कि अभी हम लोग जब आ रहे थे तो अभी हम लोगों ने देखा कि आपके घर के लिए कोई रास्ता नहीं है, इस रास्ते से आप आवागमन करती हैं, वो रास्ता तो बरसात के सीजन में अवरुद्ध हो जाता रहा होगा,
तो ऐसी स्थिति में आपने आपके घर पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या आशा करती हैं कि उनके द्वारा आपको क्या सही सजेशन उसका दिया जाए या सड़क दी जाए? सड़क बनाने के लिए हमें बताया गया है कि हम यहाँ जो क्या बोलते हैं मेन रोड से मतलब सुहागी जोड़ देंगे, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। आगे की कार्रवाई करने के लिए बोले जी, आश्वासन दिए। टाप करने के बाद आपके परिवार और रिश्तेदारों का व्यवहार आपके साथ कैसा रहा, मित्रों का व्यवहार? मतलब आपने टाप किया तो उन्होंने खुशी जाहिर की, तो आपके साथ जो जिस तरह का पहले व्यवहार था उसी तरह का व्यवहार है या फिर उसमें कुछ बदलाव आया, उनको गर्व महसूस हुआ, आपको सम्मान देना शुरू कर दिए, या सब कुछ पहले जैसा है? हो गया सब पहले जैसा है, लेकिन बधाई दोई सब दे रहे हैं। मतलब आप इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं तो आपको स्वाभाविक सी बात है आपको घर में आपके रिश्तेदार आपके दोस्त जो भी होंगे आपके क्लासमेट रहे होंगे तो वो आपको एक अच्छा सम्मान देना शुरू किए होंगे जी। तो उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है, मतलब उनको सम्मान वो दे रहे हैं तो आपको क्या महसूस हो रहा है, आप क्या उनको कहना चाहेंगी? सर हमें मतलब हमारे जो फ्रेंड थे वो हमें बधाई दिए हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों ने देखा कि अभी बहन खुशी सिंह ने अपने बारे में बताया, अपनी स्थितियों के बारे में बताया। बहन खुशी सिंह ने स्थानीय जनप्रतिनिधि और रीवा सांसद त्योथर के विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों से मांग किया है कि सर्वप्रथम तो उनको आवागमन के लिए जहां पर उनका घर बना हुआ है वो मेन रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, और वो रास्ता वर्तमान स्थिति में ऐसा है कि वहां का आवागमन बरसात की स्थिति में अवरुद्ध हो जाता है। तो बहन ने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि जिन्होंने उनको बधाई देने के लिए उनके घर पर आए उनसे मांग किया है कि यदि कुछ वो देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उनको उनके घर तक आने के लिए सड़क का निर्माण करवाया जाए, और जिससे वो तो सही उनके साथ उनके गांव समाज की जो भी विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहते हैं वह स्कूल दूर है तो उनको आने जाने में कोई समस्या ना हो। दूसरी बात बहन खुशी सिंह ने बताया कि हमने जो पढ़ाई किया है तो हमारे स्कूल के सभी टीचर, बहन खुशी सिंह शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोथर में पढ़ाई करती थी, वहाँ के शिक्षकों का अच्छा श्रेय रहा है, वहाँ के शिक्षकों को भी बहन खुशी सिंह ने धन्यवाद दिया है। साथ ही खुशी सिंह ने बताया कि हमारे घर में भी हम पढ़ाई करते थे और हमसे कोई काम भी नहीं करवाया जाता था, जो मन में काम आता था वो हम करते थे, कोई दबाव नहीं होता था ना ही कोई पढ़ाई का दबाव होता था, मैं अपने मन से पढ़ाई करती थी और अपने मन से ही इस मुकाम को हासिल करने में आगे हुई हूँ। बहन खुशी सिंह ने आगे की पढ़ाई के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि और शासन सत्ता की सरकार भाजपा की सरकार है उनसे गुहार लगाई है कि आगे की पढ़ाई के लिए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उनको जो भी सहयोग हो वो दें। और इसी के साथ एक बार फिर मैं खबरदार न्यूज़ चैनल की टीम की ओर से आपको इस मुकाम हासिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं पेश करता हूँ।